महिला विलन के नाम से जानी जाने वाली एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा का नाम तो हर किसी ने सुना होगा, जिन्होंने फिल्मों से तो नाम कमाया ही, साथ ही बिग बॉस में गाली गलौज, धमकी और मार तोड़ में भी खूब नाम कमाया। बिग बॉस के बाद से डॉली की पहचान इंडस्ट्री में एक नई रूप में दिखी। लोग उन्हें एक्ट्रेस कम विलन महिला के नाम से ज्यादा जानने लगे। ऐसा आप भी कहेंगे जब आप खुद डॉली बिंद्रा के बिग बॉस के किस्से सुनेंगे। शायद इसलिए 51 साल की डॉली आज इंडस्ट्री से दूर हो गई है। जी हाँ, डॉली चाहती तो इंडस्ट्री में और नाम कमा सकती थी, लेकिन बिग बॉस के बाद से लोगों के दिलों में डॉली की एक गंदी इमेज बन गई थी और लोग डॉली को भूल गए। अगर आप भी डॉली को भूल गए तो आज हम आपको डॉली का वो किस्सा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर फौरन आपको ये विलन महिला याद आ जाएगी। डॉली का जन्म 20 जनवरी 1970 को हुआ था। डॉली बिंद्रा फिल्म और टेलीविजन में जो विलन का किरदार निभाती ही हैं, असल जिंदगी में भी डॉली कई विवादों में घिरी रही हैं। उन्होंने 18 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। डॉली हमेशा ही साइड किरदारों में रही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अदाकारी से एक नाम बना लिया। लेकिन अपनी फिल्म और सीरियल से उतरकर डॉली अपने विवादों के चलते ज्यादा चर्चा में रही हैं। उन्होंने हम सब एक हैं, गदर, क्रेजी 4 जैसी फिल्मों में काम किया। डॉली को बिग बॉस के सीजन 4 में लड़ाई झगड़े के लिए खूब जाना जाता है। बिग बॉस सीजन 4 में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाली डॉली बिंद्रा ने काफी हंगामा मचाया था। शो के दौरान वो अपनी दमदार आवाज और अपशब्दों की वजह से काफी लाइमलाइट में रही। डॉली बिंद्रा ने शो के दौरान घर वालों से खूब झगड़ा किया था। डॉली का सबसे बड़ा झगड़ा हुआ भोजपुरी एक्टर और पॉलिटिशियन मनोज तिवारी के साथ। इस दौरान दोनों के बीच काफी गहमा गहमी देखी गई थी। एक अंडे को लेकर शुरू हुई ये लड़ाई कितनी बढ़ गई कि डॉली ने मनोज को काटने की धमकी दे डाली थी। दरअसल डॉली का कहना था कि बिग बॉस ने खाना बनाने से मना किया, लेकिन मनोज तिवारी अंडा खाने की जिद किए जा रहे थे। दोनों के बीच ये बहस इतनी बढ़ गई कि गाली गलौज तक पहुंच गई। मनोज तिवारी के सपोर्ट में खड़ी हुई श्वेता तिवारी ने भी डॉली को खूब सुनाई। बिग बॉस सीजन 4 की विनर श्वेता तिवारी बनी थी। बात करें मनोज तिवारी की तो आज राजनीति में उनका कद काफी ज्यादा है। इसके अलावा डॉली बिंद्रा राधे माँ को लेकर भी चर्चा में थी। डॉली बिंद्रा राधे माँ के साथ रहा करती थी और 2015 में डॉली ने खुद राधे माँ पर शारीरिक शोषण का आरोप भी लगा दिया था। डॉली बिंद्रा को बिग बॉस से एक अलग ही फेम मिला, लेकिन एक्ट्रेस काफी वक्त से इंडस्ट्री से अलग है। उन्हें इंडस्ट्री में आए 2.5 दशक हो चुके हैं। अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस दौरान उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। साल 2010 से वो कई फिल्मों में आई, लेकिन बिग बॉस के बाद वो एक तरह से गायब होती चली गई। साल 2015 में फिल्म डॉली की डोली, इमरान खान और दबंग 3 जैसी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन डॉली इंडस्ट्री से गायब होती चली गई। वेल, आप डॉली बिंद्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बिग बॉस की मशहूर कंटेस्टेंट एक्ट्रेस और पारस छाबड़ा की एक्स गर्लफ्रेंड रही आकांक्षा पुरी की खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। सही सलामत आकांक्षा को बीमारी का उस वक्त अटैक पड़ा जब उन्होंने एक साथ अपने कई लोगों को खो दिया। जी हां, आकांक्षा पुरी को बीते दिनों हर रोज किसी न किसी रिश्तेदार के जाने की खबरें मिल रही थी। वो इन खबरों को सुनकर सदमे में चली गई। इतना ही नहीं, आकांक्षा की माता किस बीमारी की चपेट में आ चुकी थी, वो भी दो बार बीमारी से संक्रमित होने के बाद आकांक्षा ने रिस्क ना लेते हुए तुरंत वैक्सीनेशन का इंतजाम किया। हैरानी की बात तो यह है कि आकांक्षा को कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी जिससे वो वैक्सीनेशन लगवा सके, लेकिन फिर उन्होंने जो इंतजाम किया वो देखकर हर कोई हैरान है। खास बात यह कि आकांक्षा को कीचड़, खेत और मिट्टी से निकलकर गांव पहुंचना पड़ा और वहां आकांक्षा ने वैक्सीनेशन लगवाया। आकांक्षा पुरी ने कहा कि मैंने देवास जिले के बरौथा गांव ड्राइव की, जो कि इंदौर से 2 घंटे की दूरी पर था। मुझे वैक्सीन की पहली डोज लेनी थी, लेकिन मेरे आसपास के एरिया में 1 भी स्लॉट खाली नहीं था। आकांक्षा पुरी ने आगे कहा, खेतों और कीचड़ वाली गलियों से निकलकर 2 घंटे तक गाड़ी चलाई और स्कूल को ढूंढा। मैंने अपने टीके के लिए पेड़ के नीचे घंटों इंतजार किया। उन्होंने एक स्कूल के क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड के सामने बैठकर वैक्सीन की पहली डोज ली। आकांक्षा पुरी ने बताया कि उनका पूरा परिवार इस वक्त बहुत डरा बैठा है, कब किसके जाने की खबर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आकांक्षा ने कहा कि मैंने बहुत से अपनों को खो दिया है, अब हमें अपनी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं लग रहा है। फिल्म और टीवी सीरियल अदाकारा दिगंगना सूर्यवंशी का एक वीडियो इस वक्त तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
इस वीडियो में एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट पर मोर ने हमला कर दिया। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक्ट्रेस मोर की खूबसूरती को निहारती दिख रही है, मगर कुछ ही देर बाद जैसे ही वो उसके पास आने की कोशिश करती है, मोर उड़कर अदाकारा पर हमला कर देता है। उसके बाद उनकी माँ मोर को उड़ाने में मदद करती है और बेटी को बचाने की कोशिश करती है। ये वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो पे यूजर्स ने खूब सारे कॉमेंट्स भी किए। एक यूजर ने लिखा, मोर को इस बात का गुस्सा होगा कि नीला तो वो भी है और नीले कलर का सूट आपने भी पहना है, तो एक्ट्रेस की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इस रंग को पहनने की। जबकि दूसरे यूजर ने लिखा, पिकॉक ने कर दिया शौक। तो एक यूजर ने लिखा, मोर को पसंद नहीं होता कि कोई उनकी निजी जिंदगी में झांके। वीडियो में साफ देख सकते हैं मोर उड़कर एक्ट्रेस के मुंह पर हमला करता है, हालांकि वो एक सेकंड के अंदर नीचे बैठ जाता है, लेकिन उस वक्त ऐसा लग रहा है कि मोर ने एक्ट्रेस के चेहरे पर निशान दे दिया है। चोट तो जरूर पहुंचाई होगी, और जिस तरह से एक्ट्रेस बार बार अपने हाथ की चोट देख रही है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि मोर का मुंह एक्ट्रेस के हाथ में भी लगा, जिससे एक्ट्रेस के हाथ में निशान भी आ गए। वो तो एक्ट्रेस की माँ फौरन आगे बढ़कर उसे बचा लेती है, वरना एक्ट्रेस के चेहरे को बड़ा नुकसान पहुँच जाता। वायरल हुए इस वीडियो को खुद अदाकारा डिंगांगना सूर्यवंशी ने कमेंट किया। वो इस वीडियो पर कमेंट करती हैं, कसम से मेरी माँ को लगा कि मोर मुझे गले लगा रहा है। इसके साथ ही अदाकारा ने कई सारी इमोजी भी शेयर की हैं। बता दें, एक्ट्रेस बिग बॉस सीजन 9 में नजर आई थी। वो इस शो में करीब 2 महीने रही। एक्ट्रेस टीवी शोज और फिल्मों में भी काम कर चुकी है। वो जलेबी फ्राइडे जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी है। दिंगांगना सूर्यवंशी अब साउथ फिल्मों की राह पकड़ चुकी हैं। वो जल्दी सिटी मार और वल्यम जैसी फिल्मों में नजर आने वाली हैं। 4 साल पहले बिग बॉस सीजन 10 में सीधी साधी लड़की बनकर शो में एंट्री की थी। घर में घुसते ही पहले उसने सलमान खान को तो अपनी खट्टी मीठी बातों से इम्प्रेस किया ही था, साथ ही उसने उन सभी स्टार्स को नोटिस किया था जो उसी की तरह बिग बॉस 10 में कंटेस्टेंट बनकर आए थे, क्योंकि वो लड़की कॉमनर थी और बाकी सेलिब्रिटीज को अपनी जिंदगी में कॉपी करना चाह रही थी। इतना ही नहीं, वो लड़की जब बिग बॉस से निकली तो उसके दिमाग पर एक अलग ही फितूर सवार हो गया था, जो शायद उनके घर वालों को भी नहीं पता था। जी हाँ, बिग बॉस से निकलते ही उस लड़की पर अडल्ट फिल्में देखने का भूत सवार हो गया था। रात दिन वो बस अडल्ट फिल्में ही देखती थी। ऐसा क्यों करती थी वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए उस लड़की का नाम जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ, वो कॉमनर लड़की थी, लोकेश शर्मा। लोकेश शर्मा तब कॉमनर थी, लेकिन आज वो सेलिब्रिटीज बन चुकी हैं। लोकेश शर्मा ने बिग बॉस 10 से निकलते ही स्टार बनने के लिए जी जान लगा दिया था। उन्होंने उन सेलिब्रिटीज की शक्लों को बहुत गौर किया था, जिनके पहनावे में एक सेलिब्रिटीज का एक अलग ही घमंड टपक रहा था। 2-3 साल तक तो लोकेश गायब रही। 2-3 साल बाद उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। लोकेश ने अपने मुंह से पूरी सच्चाई बताई तो हर कोई शॉक्ड रह गया। लोकेश ने बताया कि वो स्टार बनना चाहती थी, लेकिन उनकी बॉडी भी अट्रैक्टिव नहीं थी और ना ही उनके अंदर कोई क्वालिटी थी जिससे उन्हें काम मिले। लोकेश शर्मा ने कहा कि अनगिनत रिजेक्शन का सामना करना पड़ा और कुछ प्रोजेक्ट उसने खुद रिजेक्ट किए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट तो उसे समझ में ही नहीं आए थे और ना ही कोई समझाने वाला था।